बरेली उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी आज अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। निविदा कर्मचारियों का कहना है कि उनको सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए जाते, उनको झूठे मुकदमे में सरकारी कर्मचारी जेल भेज रहे हैं, उनको समय से वेतन नहीं मिलता। पुराने संविदा कर्मचारियों को हटाकर 2-2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर नए संविदा कर्मचारियों को रखा जा रहा है। बताया कि पहले समझौता हुआ था कि समय से वेतन मिलेगा, सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे और उनको ISI का भी लाभ दिया जाएगा, मगर नहीं मिल पाया। कई बार वार्ता की गई मगर हर बार उन्हें आश्वासन दिया गया और लाभ नहीं मिल सका। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बहादुर सिंह यादव, क्रांति संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। अच्छा, दिवसीय धरने बैठे हुए हैं, क्या मांगे? पूर्व में उच्च अधिकारियों से संविदा कर्मचारियों की अनुबंध की शर्तों के अनुसार जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर हमारा समझौता हुआ था। मुख्य अभियंता जी से 2-2 बार समझौता होने के बाद भी उस समझौते का अनुपालन न करते हुए हमारे पदाधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना करके झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसको संगठन लेकर के आज आंदोलन चल रहा है। क्योंकि अनुबंध के अनुसार ना तो हमें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं, सुरक्षा उपकरण न होने की दशा में संविदा कर्मचारी विद्युत दुर्घटनाग्रस्त होकर अपाहिज होकर के इलाज करा रहे हैं या तो मर रहे हैं, उनके परिजनों को कोई आर्थिक हितलाभ नहीं दिया जा रहा है। ESI का पैसा हमारे तनख्वाह से मद से काटने के बाद भी हमें ESI का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे परिजन हमारा इलाज करा सकें। समय से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है हमारा, और अनुबंध की शर्तों के अनुसार हमारे किसी भी तरीके की पूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में हम यह धरना प्रदर्शन चला रहे हैं। और साथ ही साथ वर्षों से कार्यरत हमारे संविदा कर्मचारियों को अधिकारी हटा करके मोटी रकम वसूल करके नए नए संविदा कर्मचारियों को भर रहे हैं, जिसके तहत हमारे पुराने संविदा कर्मचारियों के ऊपर अनैतिक दबाव बनाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर उनकी जगह 2-2 लाख रुपए लेकर नए संविदा कर्मचारी भर रहे हैं, जिसके विरोध। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।